हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज बनाने जा रही हूँ गाइस लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए गाइस मैंने लिए है एक लौकी और बेसन एक कटोरी। सो गाइस, लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लौकी के लिए धो लेंगे। धोने के बाद इसको कद्दूकस कर लेंगे। बेसन को गाइस इधर रख देंगे और लौकी के लिए सबसे पहले इस तरीके से धो लेंगे। सो गाइस, लौकी को धो लिए हैं। अब धोने के बाद इसको इस तरीके से चाकू से छील लेंगे। तरीके से छील लेंगे। लौकी को गाइस छील लिया है। छीलने के बाद बीच से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इस लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। तो दोनों लौकी को कद्दूकस करना है। तो कद्दूकस करने के लिए गाइस छोटा वाला महीन वाला कद्दूकस जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो ले लीजिएगा और इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। मिलते हैं गाइस लौकी को कद्दूकस करने के बाद। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि लौकी को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद गाइस इसको लौकी में ऐसे खुला अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये इसका कलर चेंज हो जाता है लौकी में, इसमें ब्लैक बनाने लगता है। तो गाइस जैसे ही कद्दूकस करेंगे और कद्दूकस करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक इस तरीके से छिड़क देंगे। तो गाइस नमक तो मैंने हल्का सा डाला है, अभी ज़्यादा नहीं डाला है। तो इसमें इस तरीके से पानी ये छोड़ेगा, तो इसमें अभी तो 10 मिनट तक ऐसे ही रखे रहने देंगे। नमक डालने के बाद गाइस ये इसका कलर चेंज नहीं होगा लौकी का। अभी इसमें जो पानी निकलता है आप देखते हैं लौकी में पानी की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है। अगर ऐसे ही आप बेसन मिक्स कर देंगे तो आपका ये आप देख सकते हैं कि पानी लौकी का है, तो बेसन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा में लगेगी मात्रा में। तो गाइस इसको 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा। सो गाइस 10 मिनट हो चुका है। 10 मिनट के बाद एक बर्तन लेंगे, इसको खाली बर्तन लेंगे और इसमें इस तरीके से रख देंगे। और ये जो आप देख सकते हैं कि लौकी जो है पानी छोड़ती है, और पानी छोड़ने के लिए भी इसको इस तरीके से दोनों हाथों की सहायता से इसमें इस तरीके से दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी से पानी निकल रहा है। तो इसको इस तरीके से दबा दबा कर इसका पानी निकाल देंगे, ताकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो आपका बेसन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में लगेगा, तो वह आपका कोफ्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो गाइस इस तरीके से लौकी को नचोड़कर इस तरीके से रख देंगे। सो गाइस लौकी को इस तरीके से नचोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इसमें पानी नहीं है, और जो लौकी का पानी निकलता है जो आप गाइस देख सकते हैं कि इसमें को छन्नी से छान कर नमक मिलाकर आप इसको पी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद पानी होता है। अगर आप नहीं पी पा रहे हैं तो आप जो सब्जी बनाएंगे तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो गाइस जिसको एक तरफ रख देंगे और इसमें लौकी का जो पानी निकाला था, और ये सूखी लौकी है आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। कोफ्ते बनाने के लिए बहुत ही पूरी रेसिपी देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो फटाफट आप बना के खिला सकते हैं गेस्ट आपके घर आए हुए हैं, या आपको जल्दी खाना बनाना है तो इस तरीके से आप बनाइएगा फटाफट। तो गाइस इसी में डालेंगे गाइस बेसन, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैंने 5 टीस्पून मैंने डाला है। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चुटकी टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला 1/2 टीस्पून से कम, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चाहे तो आप धनिया भी ले सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। बेसन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ नहीं। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे।
चाहे तो आप इसके गोल गोल बना सकते हैं, चाहे तो आप पकौड़ी बना सकते हैं, कोफ्ते का आप जो भी शेप देना चाहें उस तरीके से आप कोफ्ते बना सकते हैं। तो गाइस ये जो है मिक्स करने के बाद इसको गोल गोल कर लेंगे। अगर आपको इसमें से गीला लग रहा हो या सॉफ्ट लग रहा हो, जैसा भी फ्लेवर हो उसी क्वांटिटी के अनुसार ही रखिएगा। बेसन की क्वांटिटी भी परफेक्ट रखिएगा। इसमें मैंने 6 टीस्पून डाला है, अभी थोड़ा सा गीला लग रहा है तो इसमें 1 टीस्पून और ऐड करेंगे। परफेक्ट हो गया है। आप इसको चाहें तो इस तरीके से गोल गोल लड्डू कोफ्ते वाले बना सकते हैं आप। इस तरीके से और चाहें तो आप पकौड़ी बना सकते हैं, तरीके से पकौड़ी बना सकते हैं। तो गैस चलते हैं गैस की तरफ। तो तैयार हो गया है, गैस ऑन करेंगे और इस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई चाहे आप जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो रख सकते हैं। और मैंने इसमें डाला है ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब जो मैंने डो तैयार किया था पकौड़ी का, तो आप चाहे तो गोल बना सकते हैं कोफ्ते इस तरीके से। और चाहे तो आप पकौड़ी बना सकते हैं इस तरीके से। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसके बना लेंगे कोफ्ते। कोई भी शेप आप दे सकते हैं जो भी अवेलेबल आपके पास हो। तरीके से डाल देंगे और इसको बना लेंगे फटाफट कोफ्ते। अब इसको छेड़ना नहीं है, इस तरीके से इसको सिकने देंगे, फिर बाद में इसको पलट देंगे। इस तरीके से गैस कोफ्ते डाल दिए हैं, अब इसको पलटेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये कोफ्ता बीच वाला जो है, जो मैंने सबसे पहले डाला था, वो तैयार हो चुका है। इस तरीके से इसको पलट देंगे। बाकी कोफ्तों को भी धीरे धीरे करके इस तरीके पलटना है ताकि दूसरा कोफ्ता खराब ना हो पाए। और इस तरीके से सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर कर दे रही हूँ मैं, और हाई फ्लेम पर करने के बाद इसको धीरे धीरे सारे कोफ्तों को पलटना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कोफ्तों को मैंने इस तरीके से पलट दिए हैं। और इसके साथ चेंज करने के बाद दूसरी तरफ भी परफेक्ट उसी तरीके से जैसे ये मैंने सिके हुए हैं, सारे कोफ्तों को अच्छे से सेक लेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर रखा है। तो गाइस कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं और इसको इस तरीके से एक एक करके निकाल लेंगे। गुलाबी गुलाबी ही कोफ्ते बनाना है, ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, टेस्ट आपका बिल्कुल परफेक्ट नहीं रहेगा। गैस को अब लो फ्लेम पर कर देना है और कोफ्तों को निकाल लेंगे। इस तरीके से कोफ्ते निकाल लेंगे। तो ये रहे गाइस कोफ्ते गर्मा गर्म। तो गाइस आप इस तरीके से चाहे तो आप लौकी की पकौड़ी या लौकी के कोफ्ते जो भी आप बनाना चाहें इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो गाइस आपको लौकी के कोफ्ते और
आपकी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। अब चलते हैं चटपटे मसालेदार कोफ्ते की सब्जी बनानेंगे रसीली। तो गाइस इस तरीके से ये कोफ्ते बनके परफेक्ट तैयार हो गए हैं। कोफ्ते की सब्जी बनाने के लिए जो ऑयल है इसको निकाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल कुछ ज़्यादा है तो 1 चम्मच समथिंग रखना है ऑयल। तो गाइस 1 चम्मच समथिंग है ये। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, चाहे तो प्याज को आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, क्वांटिटी कोफ्ते में भी ऑलरेडी पहले से मैं डाल चुकी हूँ तो इसमें क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखनी है। टर्मरिक पाउडर, इसमें चाहे तो आप टमाटर का भी पेस्ट डाल सकते हैं, टमाटर मैंने यूज़ नहीं किया है इसमें। और जो थाली में जो पानी था बेसन का, तो इसमें 1 टीस्पून इसमें बेसन को घोल लेंगे ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी ग्रेवी। तो इसको मिक्स कर लेंगे और फोड़ने के बाद इसमें डाल देंगे। इसको चलाएंगे। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और इसको चलाएंगे। मसाला अच्छे से घूम, आप देख सकते हैं कि बेसन को भी खूब अच्छे से भूनना है। तो इसको चलाते रहना है ताकि ये फ्राइड ना होने पाए। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून। तो ग्रेवी तैयार हो चुकी है और तो इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। गिलास समथिंग मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको चलाएंगे। इसमें चाहे आप टमाटर का भी पेस्ट डाल सकते हैं, प्याज लहसुन का भी पेस्ट डाल सकते हैं। प्याज की क्वांटिटी का आज मैंने बहुत ही कम रखी है और मैंने कटे हुए प्याज के टुकड़े डाले हैं। अब इसमें खोल आने का इंतजार करेंगे और इसमें खोल आने देंगे। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो गाइस जब इसमें खोल आएगी तभी इसमें कोफ्ते डालिएगा, इससे पहले नहीं डालना है। अगर पहले डाल देंगे कोफ्ते आपके बिल्कुल बेकार हो जाएंगे और वो फैल जाएंगे। मिलते हैं गाइस इसमें खोल आ जाने के बाद। सो गाइस आप देख सकते हैं कि रसा जो होता है इसका कोफ्ते का, तो इसमें खोल आ चुकी है और ग्रेवी आप देख सकते हैं जिस हिसाब से अवेलेबल रखना चाहें आप। चाहें तो चावल के हिसाब से थोड़ी सी पतली रखनी पड़ेगी, अगर चावल नहीं खा रहे हैं तो थोड़ा सा गाढ़ा बनाना पड़ेगा कोफ्ता। तो गाइस मैं बना रही हूँ चावल के हिसाब से थोड़ा सा पतला, तो 2.5 गिलास समथिंग मैंने पानी डाला है, वो अच्छे से खोल रहे हैं, रसा परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें जो कोफ्ते मैंने बना के रखे थे इस तरीके से, तो कोफ्तों को गाइस इस तरीके से फोड़ना नहीं है और ऐसे ही डायरेक्ट डालना है। तो अगर इसको जैसे कढ़ी बनाते हैं तो उसमें इस तरीके से फोड़ना पड़ता है, और इसमें फोड़ना नहीं है, बस ऐसे ही कोफ्ते डाल देना है। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हुए हैं कोफ्ते, तो ये ठंडे हो चुके हैं थोड़े से। तो कोफ्तों को इस तरीके से डाल देंगे और स्पंजी बने हुए हैं इस तरीके से।
सारे कोफ्तों को मैंने इस तरीके से डाल दिए हैं, और डालने के बाद इसमें खोल लगाएंगे। खोल लगाने के बाद इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, अगर ज़्यादा देर तक खोल लगाएंगे तो ये पकौड़ी जो है फैल जाएंगी और ये कोफ्ते और रसा बराबर हो जाएगा। तो गैस इसको पकौड़ी परफेक्ट रहे इसलिए बस एक खोल लगाने के बाद इसको गैस को ऑफ कर देना है। तो गैस इसमें खोल आ रही है, ग्रेवी भी आप देख सकते हैं परफेक्ट है, क्योंकि इसे पकौड़ी डालने के बाद ये कोफ्ता डालने के बाद ये सोखता है रसा, तो ये बहुत ही ज़्यादा सोख लेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी परफेक्ट है। इस तरीके से आपको रसा इस तरीके से रखना है, ज़्यादा पतला ही ज़्यादा पतला करना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। तो गैस खोल आ चुकी है, अब गैस को ऑफ कर देंगे, उसको सर्व कर लेते हैं। कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं, लौकी के कोफ्ते, लौकी और बेसन के चटपटे मसालेदार वाले कोफ्ते। गैस को ऑफ कर देंगे, मिलते हैं सर्व करने के बाद। तो गाइस लौकी के कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने सर्व कर लिए हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। इसको चाहे तो आप रोटी से खाइएगा, या पराठे से खाइएगा, या पूरी से, जो भी अवेलेबल आपके पास हो, या चावल से, किसी किसी से भी खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। नहीं तो आप रुके भी खा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो गाइस लौकी की कोफ्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कम्युनिटी हॉस्टल में एक नया चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप जाके मेरे चैनल को देखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो गाइस मैं कोफ्ते को तोड़ के दिखा रही हूँ किस तरीके से ये बना है। तो ये गाइस आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही आसानी से फूट गया है। तो गाइस इस तरीके से आप बनाइएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।